Good morning, students. How are you? I hope you will all are fine. Today we will start our new Sanskrit book, Suprabhatam. We will read first chapter, Sanskrit Varnmala. तो students, आइए हम शुरू करते हैं हमारा first lesson. ये आपका new subject आपकी class में एक और add हो रहा है, तो आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं संस्कृत वर्णमाला. संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है. हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत से ही विकसित हुई है. विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का ही प्रयोग किया जाता है. यानी कि भाषा किसे कहते हैं, ये आपने पहले फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ क्लास तक आप पढ़ते हैं. भाषा क्या होती है? भाषा विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है. भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. मौखिक वो होते हैं जो मुंह से बोला जाए, लिखित जो लिखा जाए. नेक्स्ट है टॉपिक वर्ण. वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं. सब सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के वर्ण हैं. देखिए वर्ण कौन कौन से होते हैं? तीन: स्वर, व्यंजन, अयोगवा. स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं. स्वरों की संख्या 13 होती है, जिन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है. तीन वर्ग कौन से हैं वो हम देखेंगे अब. फर्स्ट है हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर. हर्षव स्वर में कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे. ए, ई, उ, री, लरी. दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री. संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ. नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजन. व्यंजन किसे कहते हैं? ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं फोर्थ क्लास तक, आपको आता भी होगा तो आप ध्यान से सुनेंगे. जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं. व्यंजन इनकी संख्या 33 होती है. व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं. व्यंजन के प्रकार देखिए: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन. स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कैसे लेकर मैं तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं. इनकी कुल संख्या 25 यानी कि 25 होती है. अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं और उष्ण व्यंजन ये भी 4 होते हैं. तो ये आपका चार्ट बना पड़ा है इस बुक के अंदर. आप इसके अंदर देखेंगे स्पर्श व्यंजन, जैसे इनको डिवाइड किया गया है 5 भाग. स्पर्श व्यंजन देखिए इसको हम 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं. कैसे? क वर्ग. क वर्ग को क्या कैसे पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, ड़. च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ. ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण. त वर्ग, त, थ, द, थ, न. प वर्ग, प, फ, प, व, प, ह, ब, भ, म. ये थे, इनकी संख्या है 25. अंतस्थ व्यंजन देखिए य, र, ल, व, ये संख्या में 4 हैं. उष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है, श, 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 ह. नेक्स्ट टॉपिक है अयोगवा. जो वर्ण न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है, वे अयोगवा कहलाते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और टर. अनुस्वार जैसे कि अंक की बिंदी जो होती है, जैसे पंकज, इसके ऊपर लिखा है अंक की आवाज़ आ रही है पंकज. विसर्ग में है अह की आवाज़ आएगी, पुनः है. ये हमारा था लेसन फर्स्ट, संस्कृत वर्णमाला. तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे. धन्यवाद.